हाँ तो गाइस, क्या आप लोग भी मार्केट में इस तरीके से पोलराइज्ड ग्लासेस खरीदने गए थे? पर आप लोग खरीद तो लाए हैं, पर आपके मन में कंफ्यूजन है कि क्या हम जो पोलराइज्ड सनग्लासेस खरीद के लाए हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, इसे किस तरीके से चेक किया जाए, इसको कंप्लीट इस डिटेल वीडियो में जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है यश राठौर और आप लोग देख रहे हैं किंग ऑप्टिकल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोलराइज्ड सनग्लासेस टेस्ट एट होम। आप लोग अपने घर बैठे बैठे इस पोलराइज्ड सनग्लासेस को चेक कर सकते हैं और साथ साथ आपको इसी दो सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप लोग एक झटके में पता लगा सकते हैं कि आपका पोलराइज्ड सनग्लासेस ओरिजिनल है या नकली। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, अब मेरे पास दोनों सनग्लासेस में लेके आ चुका हूँ। एक है फेक पोलराइज्ड सनग्लासेस, मतलब कि ये केवल नॉर्मल सनग्लासेस जो कि इस टाइप से कुछ दिखता है, और एक है मेरे पास इस टाइप से ओरिजिनल पोलराइज्ड सनग्लासेस। तो आप लोग ध्यान से इन दोनों को देख लीजिए। सबसे पहले जो ट्रिक है वो ये कि आपको किसी भी अपनी नियर बाय ऑप्टिकल शॉप पे जाना है, तो आपके आसपास जो भी चश्मे की दुकान है वहाँ पे जाके वहाँ से उनको बोलना है कि भैया जो आपके यहाँ पोलराइज्ड टेस्टर होगा वो हमें इस बार दिखाइए। हाँ फ्रेंड, क्या आपको क्या बोलना है? पोलराइज्ड टेस्टर। तो पोलराइज टेस्टर जो होता है वो इस टाइप से कुछ आता है। हाँ फ्रेंड्स, क्या ये होता है पोलराइज टेस्टर, जिसके अंदर देखने से आपको मालूम पड़ जाता है कि जो हम लोगों ने पोलराइज चश्मा खरीदा है या पोलराइज जो गॉगल हम लोगों ने खरीदा है वो ओरिजिनल है भी या फेक तो नहीं पकड़ा दिया किसी ने। तो अब आप लोग इसमें किस टाइप से देख के क्या पता लगा सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरे पास सबसे पहले एक नकली पोलराइज सनग्लासेस। तो आप लोगों को जैसे ही मैं इसके अंदर से दिखाऊंगा तो आप लोग देखिए आपको इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। हाँ फ्रेंड्स, क्या देखिए, मैं आपको साफ क्लियरिटी से दिखाता हूँ। ये जैसे ही मैंने इसके लेंस के कैमरे के ऊपर लगाया वैसे आपको इसके अंदर अभी देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहीं पे अगर हम लोग इसके अंदर पोलराइज सनग्लासेस जो कि ओरिजिनल पोलराइज सनग्लासेस को लगाते हैं तो आपको यहाँ पर ऊंट देखने को मिलेंगे। हाँ फ्रेंड, क्या दिख रहा है आपको? अब देखिए दिख रहा है आपको, ये था डिफरेंस। खरीद लिया होगा या पोलराइज के नाम पे एक लोकल चश्मा किसी ने पकड़ा दिया होगा, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कुछ भी साफ साफ चीज़ें नहीं दिखेगी। तो सबसे पहला टेस्ट तो ये था जो कि आप लोग अपने आसपास की चश्मे की दुकान पे आके कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास इतना समय नहीं है, हमको तो ये बता कि हम लोग घर बैठे बैठे किस तरीके से अपने पोलराइज सनग्लासेस को टेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दूसरी जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला था वो यही है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो आप लोग चश्मा मार्केट से खरीद के लाए हैं पोलराइज के नाम पर उसको इस टाइप से लेना है, और ये जो चश्मा है इसको आपके स्क्रीन के सामने एक वाइट कलर का रेवन लिखा हुआ आ रहा होगा, इसमें क्या करना है, इसमें ये जो चश्मा है आपको उसमें हल्का सा 20 डिग्री 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर घुमाना है। हाँ फ्रेंड, क्या ये वीडियो आपके सामने कंप्लीट आ रही होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपका जो पोलराइज सनग्लासेस इसको 60 डिग्री थोड़ा सा उधर घुमाना है, 60 डिग्री थोड़ा सा नीचे घुमाना है, जिससे आप लोग पोलराइज सनग्लासेस से इस चार्ट ये जो सामने आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है रेवन लिखा हुआ इसको देखते हैं। तो हल्का सा आप लोग देखिए, जैसे ये 60 डिग्री इधर घूम रहा है हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, और जैसे ये 60 डिग्री नीचे घूम रहा है वैसे ही हल्का सा कलर में चेंजेस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पोलराइज जो सनग्लासेस वो ओरिजिनल पोलराइज सनग्लासेस। वहीं पर अगर हम लोग किसी नॉर्मल सनग्लासेस से आप लोग 60 डिग्री इधर घुमाएंगे 60 डिग्री इधर 60 आप लोग पूरा गोल गोल भी घुमा लोगे ना तो भी आपको कोई और कलर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आप लोग और जानना चाहते हैं कि पोलराइज सनग्लासेस क्या होता है, इसकी प्राइस वगैरह क्या, तो इस कंप्लीट वीडियो को जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।